देखो मैं वीडियो स्टार्टिंग से बता देता हूँ, अगर आप एसआरके की फैंस हो तो आपको बहुत जोर से लगने वाला है। तो बस जैसे कि बहुत लोग तो ये कह रहे हैं कि डंकी फ्लॉप हो गया है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डंकी ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो आइए बात करते हैं कि असल में डंकी मूवी कैसा है। मैं जो भी बताऊँगा सब सच सच बताऊँगा, तो वीडियो को आप फास्ट से लास्ट तक देखना अगर आप एसआरके की फैंस हो या फिर प्रभास की फैंस हो। तो क्या जैसा को बताया कि 21 दिसंबर को शाहरुख खान की इस साल की तीसरी मूवी डंकी रिलीज हो चुका है सिनेमाघरों में, और इस मूवी को आज 5 दिन हो चुका है। और हिंदी कलेक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 4 दिन में 100 करोड़ हुआ है हिंदी में। छोड़ो कलेक्शन छोड़ो, हम लोग बात करते हैं मूवी कैसा है। देखो मूवी राजकुमार हिरानी जिस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं वो है डंकी। राजकुमार हिरानी की जितने भी आज तक मूवी आया है सब ब्लॉकबस्टर मूवी हुआ है, चाहे वो संजू हो जाए, पीके हो जाए या फिर थ्री इडियट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन डंकी से लोगों की बहुत उम्मीद थी, लेकिन जब 21 दिसंबर को ये मूवी रिलीज हो गया तो फाइनली गाइस रिव्यूअर्स को छोड़ के बाकी पब्लिक की उम्मीद तोड़ गया, क्योंकि इस मूवी में इतना कुछ खास नहीं था पीके से या फिर संजू से। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट बात करेंगे कि डंकी मूवी ब्लॉकबस्टर है या फिर कैसा है, डंकी एक एवरेज मूवी है, लेकिन कुछ ख़राब नहीं कि भाई फ्लॉप मूवी है। कलेक्शन कर रहा है एसआरके की वजह से कलेक्शन कर रहा है। अगर इसमें और कोई होता तो भाई मान लो ये मूवी का कलेक्शन अभी तक 30 करोड़ या फिर 40 करोड़ होता। लेकिन इसमें एसआरके है, उनके फेस वैल्यू से जितना भी कलेक्शन हो रहा है, और बाकी कहानी राजकुमार हिरानी की बहुत ही बढ़िया है, जो देखने के लिए तो बढ़िया लगता है लेकिन काफ़ी पुराना कहानी जैसा लग रहा है। और जो लोग अभी कह रहे हैं कि भाई सलार ब्लॉकबस्टर है, डंकी फ्लॉप है, डंकी ब्लॉकबस्टर है, सलार फ्लॉप है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं, दोनों मूवी बेटर है। कि सलार इतना बहुत बढ़िया मूवी नहीं है कि हम लोग उसको ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कह देंगे, क्योंकि सलार की जो कलेक्शन हो रहा है वो 3 दिन में 400 करोड़ हो गया है, क्योंकि तेलुगु से कलेक्शन हुआ है 150 करोड़ 3-4 दिन में। तो देखो आप डंकी एक बहुत बढ़िया मूवी है, सलार भी एक बहुत ही बढ़िया मूवी है, लेकिन डंकी को इतना बेटर हम नहीं कह सकते हैं भाई, ये सच है। अगर आप एसआरके की फैंस हो तो आप तो कमेंट में गाली दोगे, लेकिन जीरो जैसा नहीं है, जीरो से बहुत बेहतरीन है। डंकी को आप 2-3 बार आराम से देख सकते हो। तो गाइस अगर आप डंकी को देख चुके हो मेरे को कमेंट करके बताना। मेरे को पता है कि आप अगर एसआरके की फैंस हो तो आप तो लिखोगे भाई बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है। अगर आप प्रभास की फैंस हो तो मेरे कमेंट में बता देना कि आपको डंकी कैसा लगा। हाँ मुझे बताया कि आप लोग अभी बहुत गालियाँ दोगे एसआरके की फैंस, तो एक बार मैं बोलता हूँ कि डंकी एक बहुत ही बड़े ब्लॉकबस्टर मूवी है। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिल दूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में सलार के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।